हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल टोकन के बारे में कि इसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है और क्या हमको भी इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल टोकन आज हमको इसमें काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीजिंग हमको इसमें देखने को मिली और देखने को मिली है 7% के आसपास। अगर हम बात करें इसका जो फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है 220 रुपये। अगर हम बात करें इसके वन डे की हाइट पाएगी तो वह 260 रुपये। अगर हम बात करें इसके वन डे की लो हाइट पाएगी तो वह 204 रुपये के आसपास। तो आज इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हमको इसमें देखने को मिली है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, प्लीज़ एक्सटर्नल टोकन पर वीडियो बनाइए, क्या हमको भी इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने इसको पहले बाय करके रखा है क्या अब इसको होल्ड करके रखे है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो सबसे पहले हम इसके वन ईयर के प्राइस चार्ट पे जाएंगे। जो एक्सटर्नल टोकन दोस्तों इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया वो लगाया है 1365 रुपये के आसपास। जो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था अप्रैल मई 2021 में। मई 2021 में अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लगातार इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमको इसमें देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट पंपिंग हमको इसमें देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 के बाद जो थर्ड पंपिंग हमको इसमें देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में जो इसका प्राइस था वो था 500 रुपये के आसपास। अगर हम बात करें जो इसमें जो नेक्स्ट पंपिंग हमको देखने को मिली है वो देखने को मिली है मार्च 2022 में। और मार्च 2022 के बाद जो इसमें नेक्स्ट पंपिंग हमको देखने को मिली वो देखने को मिली है अप्रैल 2022 में। अगर हम बात करें जिसका नेक्स्ट पे टारगेट रहने वाला वो रहने वाला है इसका 350 रुपये के आसपास, जो हमको देखने को मिल सकता है अप्रैल के एंडिंग तक। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया तो बाय कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पहले इसको बाय करके रखा है तो प्लीज़ आप इसको होल्ड करके रखें और 350 रुपये के आसपास में सेल आउट ऑर्डर लगा के रखें, क्योंकि जो प्राइस टारगेट हमको जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल टोकन की मार्केट रैंक है वो 164, अगर बात करें इसकी मार्केट कैप की तो है 2981 करोड़। अगर हम बात करें इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी तो 53% लोग भी इसको बाय कर रहे हैं और 47% लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो इसकी मार्केट रैंक काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी खासी पोटेंशियल हमको इसमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जो इसका नेक्स्ट बाय टारगेट रहने वाला हो रहने वाला 350 रुपये के आसपास, तो आप 350 रुपये के आसपास सेल आउट ऑर्डर लगाना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो वाला सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।